निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच के लिए क्या करें, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल लोग मुझे पूछते रहते हैं। चलो आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि निगेटिव थिंकिंग दिमाग में आते रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग होता है, काफ़ी सारे इतने थिंकिंग, इतने थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं और उनको लगता नहीं इसके लिए करना क्या है भाई। क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग यदि करते हैं तो वो काफ़ी सारी एनर्जी सक कर लेता है थिंकिंग। शाम को लोगों को लगता है कि अपन थक गए, शाम को कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पूरा जूस निकल जाता है, गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, ये मेरे को विचार नहीं आना, निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को एक ही विचार इतने बार आता है, रिपीटेड थॉट्स, मतलब उनको रहता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक थॉट कोई घुस गया तो इतने बार आएंगा और इतना घुसेंगे अंदर और बार बार वो इतनी तकलीफ देंगे कि उनको थकान आ जाती है, कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग ऐसे आते रहते हैं। अभी एक तो क्या है कि ये तो कारण हो सकता है कि हमारे दिमाग में जो, ब्रेन में जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स के कम के कारण ऐसा हो सकता है। जैसा डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर की मात्रा कम हो गई तो ये थिंकिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, निगेटिव हो सकती है। नंबर एक तो वो तो ऐसा है कि भाई ठीक कर लो, दवाई ले लो और ठीक कर लो, ऐसा कुछ हुआ है तो ज़्यादा थिंकिंग हो रहा है तो दवा ले लो, दवा से वो थोड़े थॉट्स दब जाएंगे और आदमी अच्छा हो जाएंगे। मगर इतना नहीं है, दवाई लेने इतना नहीं है, मगर है निगेटिव थिंकिंग, तो उसके लिए क्या करें, तो फिर उसके लिए क्या करें, ऐसा सवाल जब आता है तो फिर उसके लिए क्या करें, ये सवाल आपके दिमाग में आते रहता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप रास्ते पे जा रहे, रास्ते पे से जा रहे, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपका पहचान का है, आप उसके तरफ स्माइल देते हो और वो बिना स्माइल देख के, कोई स्माइल देता नहीं हो, आपके तरफ देखता अनदेखा करता है, निकल जाता है। अब वो जब निकल जाता है तो आपके दिमाग में विचार चालू हो जाते हैं, इसने मुझे देखा क्यों नहीं, इसने मुझे देखा और मुंह पलटा लिया, मैंने स्माइल किया, इसने स्माइल किया नहीं, इसने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया, इसने तो मुझे देखा हुआ था मगर तभी भी देखा नहीं, ऐसा किया, क्या मुझे चाहता नहीं है, क्या मेरे दिमाग में, क्या मेरे बारे में इसके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं मैं इतना लायक नहीं हूं, मैं खुद ही इतना लायक नहीं है कि वे सामने वाले ने मेरे तरफ देखना चाहिए, मैं इतना नालायक कैसा हूं। अच्छा, मुझे आजकल लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं क्या, काफ़ी सारे लोग मेरे को निगलेक्ट करते रहते हैं और फिर मेरी इतनी लायक ही नहीं है, मेरे में कुछ तो भी कमी है इसलिए लोग मुझे निगलेक्ट करते रहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया या क्या मैं करता हूँ या क्या नहीं करता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, अब तो मेरा कुछ अच्छा होने वाला है नहीं, ऐसे काफ़ी सारे विचार, एक घटना क्या हुई और वहाँ से काफ़ी सारे विचार चालू हो गए। दूसरी एखादी, अब एक और घटना लेते हैं, समझो आपके घर में कोई खाना खाने आ गया एखादी, अब और घर के लेडी ने खाना बनाया हुआ है, खाना तो अच्छा बना मगर किसने इतना एक कमेंट पास कर दिया या किसने बोला कि इसमें है ना ये सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, ऐसा किसने बोल दिया। अब जो निगेटिव थिंकिंग के जो मास्टर्स है, बिल्कुल जिन्होंने PhD किया हुआ है निगेटिव थिंकिंग में, थोड़ा किसने कुछ बोल दिया तो वो इतना सा भी किसने बोल दिया तो उसको इतना बड़ा कर लेते। अब किसने बोल दिया कि इसमें थोड़ा सा नमक कम है, और घर की लेडी यदि वो विचार करने वाली ज़्यादा होंगी, बस उतना विचार उसने सुन लिया ताकि उसके दिमाग में शुरू हो जाएगा कि मैं तो खाना अच्छा बनाती नहीं हूँ, ऐसा तो नमक कम नहीं है, इसने जानबूझकर ऐसा मेरे ऊपर कमेंट पास किया, इसकी इच्छा ही क्या थी, इन्होंने मुझे नीचा दिखाया, नीचा बताया या नीचे जानबूझ के गिराया, इन्होंने तो जानबूझकर क्रिटिसाइज किया हुआ है, बाकी तो मैंने अच्छा खाना बनाया, उसकी तारीफ तो नहीं किया, जो नहीं बनाया था, जो कमियां थी उसके बारे में बोला, जो चालू हो गया तो बस उसका तो दिमाग उसमें जाने के बाद में ना उसको नींद ना दिए, फिर आखिरी कहाँ आता है घूम फिर के, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में कुछ तो भी कमियां हैं, लोग मेरे को ऐसे ही देखते हैं, लोग मेरा अपमान नहीं करते हैं, मैं इतनी अच्छी नहीं हुई, अच्छी नहीं हूं कि लोगों ने मुझे चाहना चाहिए, इस तरह के ऐसे काफी सारे विचार फिर उसके दिमाग में आते रहते हैं और उससे होता क्या है, उससे इम्पैक्ट काफी अपने बॉडी के ऊपर होता है। ये जो निगेटिव थिंकिंग वाले और ओवर थिंकिंग वाले जो लोग हैं, उनको जल्दी ब्लड प्रेशर होता है, उनको डायबिटीज जल्दी हो जाता है, शाम को थक जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। अभी हमको ये देखना है कि इसके लिए करे क्या। एक तो मैंने बताया कि दवाई ले लो, यदि दवाई का प्रॉब्लम है, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स कम है, काफ़ी जगह दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ देखना है कि भाई मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सोचना चाहिए,
कि भाई जो भी कुछ घटनाएं अपने आजू बाजू हो रही है, वो जो हो रही है वो सच में है क्या, कि वो मेरा अर्थ है, वो रियलिटी में है क्या, वो सच है क्या। सामने वाला आदमी क्रॉस करके जा रहा है, उसने मेरे तरफ देखा नहीं है इसलिए मुझे वो निग्लेक्ट करता है। अब ये अर्थ किसका है कि उसने मेरे तरफ देखा नहीं है, इसका मतलब वो मुझे निग्लेक्ट करता है, ये किसने बताया? क्या ये सच है क्या कि उसने मेरे को देखा और अपनी गर्दन वहां पलट लिया कि उसने देखा ही नहीं? क्या इसका प्रूफ मेरे पास में है क्या? अच्छा ठीक है, मैं जो अर्थ लगा रहा हूं अभी, क्या यह अर्थ मेरे लिए अच्छा है? इसका मेरे ऊपर बुरा असर हो रहा है, मेरे ऊपर इसका इंपैक्ट हो रहा है, तो मेरे लिए क्या यह अर्थ लगाना अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो नंबर एक, क्या है सच है? अच्छा, वो ऐसा क्यों करेगा? फिर ये जो अर्थ लगा रहा हूं मैं कि उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे निग्लेक्ट कर दिया, जानबूझकर किया, क्या सच है? बिल्कुल ही नहीं है ऐसा कुछ अर्थ। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो भी घटनाएं हो रही है उसमें अर्थ है क्या, कि मेरा अर्थ है वो, सच्चे उसने ऐसा किया है क्या कि मैं उसका अर्थ लगा रहा हूं, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है, उसका गलत परिणाम दुष्परिणाम मेरे ऊपर, मेरे संबंध खराब हो रहे हैं लोगों के साथ में, क्योंकि मैं लोगों को टालना चालू कर देता हूँ, लोगों की तरफ मैं देखता नहीं हूँ, मेरा मतलब एनर्जी खत्म हो जाता है ऐसा नेगेटिव थिंकिंग करके। तो ये सब हम देखते हैं कि भाई जो भी घटना हुई है, जो भी विचार चालू है, हमको बार बार देखना पड़ेगा कि ये विचार जो है वो मेरे दिमाग की उपज है, वो अर्थ मैंने लगाया है, बाहर अर्थ है वो, बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो जो घटना हो रही है वो हो रही है, शायद उसने मेरे को सच्ची देखा भी नहीं होगा, वो अपने काम में होगा, उसको कोई परेशानी होगी, उसको कोई फिक्र होगी, कोई ब्रेकडाउन उसके जीवन में हो गया होगा, तो वो इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहा होगा कहीं, मतलब वो क्या डील कर रहा है, उसके जीवन में क्या चालू है वो तो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि इसमें से जानबूझ करने के लिए कि। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब ऐसी होती है तो जहाँ जहाँ अपने को पॉसिबल है वहाँ वहाँ एक्चुअली पूछना चाहिए, क्या ये सच है, क्यों आपने देखा नहीं मेरे तरफ, आप कोई गड़बड़ में थे क्या, कोई प्रॉब्लम आपको है क्या, क्या हुआ क्या कि मैंने नमस्ते करने के बाद में भी आपने किया नहीं, ऐसा आप शांति से आराम से बाद में उनको पूछ सकते हैं। तो करना यह है कि जो भी कम्युनिकेशन में रोक देता हूँ, जो भी संवाद में रोक देता हूँ, वो संवाद चालू करना जरूरी है उसकी जिम्मेवारी लेके, कि मैंने जिम्मेवारी लेना है। नंबर एक कौन सी, कि जो भी घटना हो रही है उसका अर्थ मैं लगा रहा हूँ, एक्चुअली उसका अर्थ वहाँ नहीं है, जो भी अर्थ है वो मेरा अर्थ है, नंबर एक। नंबर दो, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। नंबर तीन, मुझे दिमाग में रख के मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी रहने जा रही है, उसके बदले एक्चुअली क्या हुआ है वो तो चेक ही करना पड़ेगा, वो तो सामने वाले को पूछना ही पड़ेगा, या फिर पूछ सकते हैं तो अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। नंबर एक, क्या है सच है, उसके लिए क्या प्रूफ है, इसका और कोई मतलब हो सकता है क्या, एक्चुअली जब उसने देखा नहीं मेरी तरफ तो मैंने निकाला कि भाई ये निग्लेक्ट कर रहा है, ये मैंने मतलब निकाला, ये मैंने अर्थ, क्या और कोई मतलब उसका मतलब हो सकता है, और कोई अर्थ हो सकता है क्या, ये भी मैं देख सकता हूँ। मतलब मेरे को उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और बार बार इसको प्रेरणा होना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो मेरा अर्थ है, ये यदि मैं लाता हूँ मेरे जीवन में तो काफ़ी सारे निगेटिव थिंकिंग जो है वो कम हो जाएंगे, लोगों के मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं रिश्तों में लोगों के जंगल में रहता हूँ, लोगों के साथ में रहता हूँ, और मैं ऐसे अर्थ अनर्थ कर लूँगा तो हर एक आदमी को मैं मेरे जीवन से काट दूंगा, मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। तो इसके बदले ये निगेटिव थिंकिंग मैं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग की उपज है, और उसका निराकरण मैंने ही करना चाहिए, मैंने मीनिंग बदलना चाहिए, जो मीनिंग मेरे को ताकत देगा, जो मीनिंग मेरे को पावर देगा, वो मीनिंग मैंने लगाना चाहिए, फालतू का गलत निगेटिव मीनिंग लगाना नहीं चाहिए, उसको मीनिंग प्रेजेंट होना चाहिए। यदि आप करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपको कोई किसी भी तरह का मानसिक प्रॉब्लम होगा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सारे आपके दोस्त लोग जो है ना, जो ओवर थिंकिंग के निगेटिव थिंकिंग के मास्टर्स है, उनको जरूर ये शेयर करो, ताकि वो उनका जीवन आनंद से जी सकेंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।